स्टूडेंट्स देन हम स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.2। आई होप आपको इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 6.1 क्लियर हो गई होगी। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन एंड 6.2 नहीं करा है तो उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। सो प्लीज़ अगर आपने नहीं करा तो उन लिंक्स पर क्लिक करें और आप उन वीडियो को पहले करें, देन 6.2 एक्सरसाइज करें। देन क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, के माइनस 9 दैन इक्वल टू 8, माइनस का 9 है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस का, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, दोनों को प्लस करके 18। इसलिए बोला था क्वेश्चन में कि इक्वेशन को सॉल्व करो और उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई मतलब कि जो हमारे पास के की वैल्यू आई है 17, के की वैल्यू आई है जो 17, उसे हमें पुटअप करना है क्वेश्चन में के की जगह पे। सो वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई में क्या, लेफ्ट हैंड साइड ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी मेरी राइट हैंड साइड। तो के माइनस 9 दैन इक्वल टू में कितना था 8, के की जगह मैंने कितना रख दिया 17, माइनस 9 दैन इक्वल टू कितना हो गया ये, इसके हम चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड होगी राइट हैंड साइड के, अगर वो दोनों इक्वल आएंगी तो वो क्या हो जाएगा मेरा वेरीफाई। बी पार्ट 1/2 एक्स दैन इक्वल टू 9, 9 के नीचे कुछ नहीं था तो उसके नीचे मैंने क्या रख लिया 1, इसकी मैंने क्या करी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई से साथ दैन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9 दैन एक्स इक्वल टू 9 टू से कितना हो जाएगा मेरा 18। देन क्या करेंगे हम इसको वेरीफाई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वही सेम प्रोसेस, जहाँ पे एक्स है जो हमारी वैल्यू आई एक्स की उसे हम पुटअप कर देंगे। देन 1/2 एक्स की जगह एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी 18, तो मैंने एक्स की जगह पे क्या रख दिया 18, दैन इक्वल टू कितना चल रहा है 19, कैंसिल आउट 9 से गया 9 इक्वल टू 9, तो ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ। 4 पार्ट बिल्कुल ए पार्ट की तरह है, इसे आप खुद करने की कोशिश करें। डू इट योर सेल्फ। देन डी पार्ट है मेरा एम बाय 4 दैन इक्वल टू 48, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या मान लिया 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सेम बी पार्ट की तरह है ये भी, देन 4 मल्टीप्लाई 48 एम इक्वल टू हो जाएगा मेरा 192। इसको भी हम क्या करेंगे वेरीफाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एम बाय 4 एंड 48, एम की जगह पे कितना रख देंगे हम 192, 192 अपॉन 4 एन इक्वल टू कितना 48। सो इसको कट करेंगे, कट करने पे कितना जाएगा 48 एंड 48 इक्वल हो गया 48 के, लेफ्ट हैंड साइड हो गया राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ। माइनस 2x दैन इक्वल टू 4, अब ये क्या है माइनस 2x दैन इक्वल टू क्या है मेरा 4 के, अब इस 2 को हम इसके डिवाइडिंग में ले जाएंगे, तो माइनस एक्स दैन इक्वल टू 4 अपॉन में 2, 2 इज़ अ 4, दैन एक्स इक्वल टू कितना आ गया मेरा माइनस 2। वेरीफाई करते हैं इसको, वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2x माइनस 4, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम माइनस 2, देन मल्टीप्लाई माइनस 2, यहाँ पे क्या चल रहा है मेरा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 टू ज़ा 4, 4 इक्वल 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ। देन एफ पार्ट, 10 माइनस 3x दैन इक्वल टू 40, सेम है ये भी बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x दैन इक्वल टू 40, यहाँ पे प्लस का तो दे जाएगा क्या हो जाएगा ये माइनस का, माइनस का 3x ये कितना हो जाएगा मेरा 30, माइनस का है तो माइनस का 3x को उधर ले जाएंगे, देन एक्स इक्वल टू 30 अपॉन 3 माइनस का ये कितना हो जाएगा
टेन, देन एक्स इक्वल टू कितना हो गया माइनस के टेन। वेरीफाई द रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देन टेन माइनस थ्री एक्स देन इक्वल टू कितना फोर्टी। एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम माइनस टेन, टेन माइनस थ्री मल्टीप्लाई टेन देन इक्वल टू फोर्टी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा थर्टी माइनस ये कितना हो जाएगा थर्टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस देन इक्वल टू कितना फोर्टी। फोर्टी इक्वल हो जाएगा किसके फोर्टी के। सो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। जी पार्ट एट्टी प्लस फोर देन इक्वल टू ट्वेंटी, ये बिल्कुल एफ की तरह ही है। चलो करते हैं, एट्टी देन इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का। एट्टी इक्वल टू एट्टी प्लस फोर, ये तो मेरा प्लस फोर का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस करने पे आ गया मेरा सिक्सटीन। देन एट यहाँ पे क्या था इसके मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा इसके डिवाइडिंग में, डिवाइडिंग में जाने पे कितना है टू। देन टी इक्वल टू कितना आ गया मेरा टू। वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड एट्टी प्लस फोर ट्वेंटी। एट्टी टी की जगह पर कितना रख देंगे हम टू प्लस फोर ट्वेंटी, एट टू सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी इक्वल हो गया ट्वेंटी की। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, हैंस एच पार्ट है मेरा टू एम माइनस थ्री देन इक्वल टू माइनस सिक्स। सॉल्व करते हैं, टू एम माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का, टू एम सिक्स में से थ्री गए माइनस का थ्री क्योंकि माइनस का सिक्स ज़्यादा है। देन एम इक्वल टू कितना जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू। वेरीफाई वेरीफाई द रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड देन इक्वल टू किसके राइट हैंड साइड के, टू एम माइनस थ्री एंड माइनस सिक्स, टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री देन इक्वल टू किसके माइनस सिक्स के, टू से टू कट माइनस थ्री देन इक्वल टू माइनस सिक्स किस माइनस सिक्स इक्वल टू हो गया माइनस सिक्स के, माइनस सिक्स इक्वल आ गए दोनों। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके हो गया राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ। टेन जेड प्लस थर्टी फाइव आई पार्ट, टेन जेड प्लस थर्टी फाइव देन इक्वल टू ट्वेंटी वन, टेन जेड देन इक्वल टू ट्वेंटी वन माइनस का थर्टी फाइव। टेन जेड देन इक्वल टू थर्टी फाइव में से अगर ट्वेंटी वन जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस का फोर्टीन। टेन जेड इक्वल टू माइनस फोर्टीन जेड, ये इसके मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके डिवाइड में, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया फोर्टीन अपॉन टेन। सो अब हम क्या करेंगे वेरीफाई द रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, टेन जेड प्लस थर्टी फाइव कितना है मेरा ट्वेंटी वन। जेड की जगह पे हम क्या रख देंगे जो हमारी वैल्यू थी माइनस फोर्टीन अपॉन टेन, टेन प्लस थर्टी फाइव, लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा है मेरा ट्वेंटी वन राइट हैंड साइड, सॉरी। तो टेन से टेन कट माइनस का फोर्टीन प्लस थर्टी फाइव टेन इक्वल टू कितना ट्वेंटी वन, ये कितना हो जाएगा माइनस करके ट्वेंटी वन टेन इक्वल टू ट्वेंटी वन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया किसके राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट साइड के, हैंस प्रूफ। देन जे पार्ट सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन देन इक्वल टू जीरो, हम क्या करेंगे सेम वही प्रोसेस, अगर हम जीरो के साथ इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर जीरो के साथ वही आएगा। तो जीरो प्लस फिफ्टीन सेवन एक्स देन इक्वल टू कितना हो गया फिफ्टीन, देन एक्स इक्वल टू कितना हो गया फिफ्टीन अपॉन सेवन। वेरीफाई द रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड
सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन एंड ज़ीरो, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम, फिफ्टीन सेवन एंड ज़ीरो, सेवन से सेवन कट, फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन ज़ीरो, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू के ज़ीरो के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर टू इज़ अ डन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सॉरी क्वेश्चन नंबर वन इज क्लियर दैट, आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। ए पार्ट इसका टू एक्स प्लस फोर देन इक्वल टू ट्वेल्व, देन टू को क्या करेंगे हम अंदर ब्रैकेट्स के साथ दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू की मल्टीप्लाई एक्स के साथ देन टू की मल्टीप्लाई फोर के साथ, तो ये कितना जाएगा टू एक्स प्लस फोर टू ज़ा एट देन इक्वल टू कितना ट्वेल्व, देन टू एक्स ट्वेल्व माइनस एट, तो ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व में से अगर एट जाएंगे तो बचेंगे कितने फोर, तो x इक्वल टू फोर अपॉन टू 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 ज़ा फोर, दर x इक्वल टू कितना हो गया मेरा टू। b पार्ट मेरा थ्री ब्रैकेट स्टार्ट फोर सी माइनस वन ब्रैकेट क्लोज देन इक्वल टू टू ब्रैकेट स्टार्ट फाइव सी प्लस थ्री, तो सेम वही प्रोसेस, इसकी मल्टीप्लाई फोर सी के साथ एंड देन मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देन मल्टीप्लाई और इसके साथ, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसकी हम बाहर वाले के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व सी माइनस थ्री देन फाइव टू ज़ा टेन सी थ्री टू ज़ा सिक्स ट्वेल्व सी, अब ये यहाँ पे क्या है प्लस का सी सी वाले सेट कर देंगे एंड डिजिट सिक्स ऐड कर देंगे हम, तो ये क्या जाएगा टेन सी देन इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री, यहाँ पे ये प्लस का था इधर जाके माइनस का था इधर जाके क्या जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे टू सी देन इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा नाइन, देन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा नाइन बाय टू। सी पार्ट इलेवन डब्ल्यू ब्रैकेट्स ओपन करेंगे माइनस के बाहर अंदर के साथ साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो थ्री डब्ल्यू प्लस का फोर देन इक्वल टू कितना ट्वेंटी, इलेवन डब्ल्यू एंड थ्री डब्ल्यू तो ये कितना हो जाएगा एट डब्ल्यू प्लस फोर देन इक्वल टू कितना ट्वेंटी, एट डब्ल्यू ये है प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का देन एट डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा सिक्सटीन, देन डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडिंग में, तो एट सिक्सटीन बाय एट वन ज़ा टू ज़ा पे गया डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया मेरा टू। डी पार्ट सिक्सटीन इक्वल टू थ्री ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस सेवन ब्रैकेट क्लोज प्लस फोर स्टार्ट करते हैं, देन सिक्सटीन इक्वल टू थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों के साथ, तो थ्री एक्स माइनस सेवन थ्री ट्वेंटी वन प्लस का फोर सिक्सटीन, अभी यहाँ पे क्या है प्लस का इधर क्या हो जाएगा ये माइनस का देन थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन देन ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व देन इक्वल टू थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन देन अब वही सेम ट्वेंटी यहाँ पे कितना हो जाएगा ये प्लस का यहाँ पे माइनस का दे जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का हाँ देन कितना हो जाएगा थर्टी थ्री थ्री एक्स देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्टी थ्री अपॉइंट थ्री ये इसके डिवाइडिंग में आ गया कट आउट देन एक्स इक्वल टू कितना हो गया मेरा इलेवन। ई पार्ट टू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट जेड प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव देन इक्वल टू माइनस का वन पॉइंट टू फाइव, तो मल्टीप्लाई करते हैं टू जेड प्लस जीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो देन इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू फाइव टू जेड डिजिट सिक्स एड देन इक्वल टू माइनस का वन पॉइंट टू फाइव, ये यहाँ पर प्लस का दो जाके क्या हो जाएगा माइनस का जीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो देन टू जेड इन दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा वन पॉइंट फिफ्टी फाइव एंड जेड इक्वल टू वन पॉइंट फिफ्टी फाइव माइनस का साइन रहेगा अपॉन टू देन डिवाइड कर देंगे तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का जीरो पॉइंट सेवन सेवन फाइव। देन एफ पार्ट इसका
एक्स प्लस टू अपॉन थ्री माइनस फाइव दैन इक्वल टू 22। इसका क्या करेंगे हम, डिजिट्स एक साइड कर देंगे, एक्स प्लस टू अपॉन थ्री दैन इक्वल टू 22। यहाँ पे प्लस माइनस का तो जगह क्या हो जाएगा, ये प्लस का एक्स प्लस टू अपॉन थ्री दैन इक्वल टू कितना जाएगा 27। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस टू दैन इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई थ्री, एक्स प्लस टू ये कितना हो जाएगा मेरा 81। ये प्लस का है, उधर क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस टू देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 79। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी इसके टू क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।